पुणे शहरातील हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारकांवर पुणे मनपा विविध प्रकारच्या कारणाने कारवाई करते, त्याचबरोबर शहर पोलीस देखील कारवाई करतात. या विषयावर देशपातळीवर सध्या चर्चा सुरू आहे. नॅशनल हॉकर्स फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी शक्तिमान घोष पथारीवाले यांनी फेरीवाले यांच्याशी संवाद साधला आहे. पुणे शहरातील हातगाडी फेरी पथारी स्टॉलधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देशपातळीवर संघर्ष सुरू करण्यात येणार असल्याचं संजय शंके यांनी जाहीर केलं आहे. त्या सर्व प्रतिनिधींनी सहमती दर्शवली आहे. 3 जून नंतर पुणे मनपा आणि पुणे पोलिसांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचं शक्तिमान घोष यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलंय. ये जो कारवाई कर रहे महापालिका वो गैर कानूनी है. हा ये मानते है जो रास्ता में चलने के लिए तकलीफ हो सकता है वो देखने की काम टाउन वेंडिंग कमिटी का है. ये जो 2014 का कानून इतना बढ़िया कानून, जो कानून सही से लागू होगा तो वाला गाड़ी चलने वाला पब्लिक चलने वाला और फुटपाथ दुकानदार तीनों का ही बैलेंस करके ये काम होने सकता है. मगर नगर पालिका ये लोग कोई कानून को लागू करने से पहले हटाने की काम करते हैं और ये हटाने की काम नगर पालिका नहीं है, टाउन बेंडिंग का भी जगह सिद्धांत करेगा. ये रास्ता पब्लिक के लिए है, ये रास्ता पब्लिक को तकलीफ कर रहे तो इसको कहाँ देना है, किसका प्लानिंग क्या होगा, वो सब ठीक करके ही टाउन बेंडिंग कमिटी के माध्यम से ये एक्शन होगा, कॉरपोरेशन की नहीं. हमारा कानून में इसका कोई प्रबंध नहीं है. हम खाने वाला हॉकर, हम कोयला को यूज नहीं करते, हम कोयला का खिलाफ है क्योंकि पर्यावरण को बर्बाद करते, इसीलिए गैस कम पोल्यूशन करते हैं. जब तक इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था कॉरपोरेशन ना करे, गैस का माध्यम से पूरा देश की फुटपाथ दुकानदार चलाते हैं. कानून में इसका कोई नहीं है जो पुलिस उसको उठा के ले जाएंगे. एवरीथिंग पुलिस का कोई भूमिका नहीं है, सब कुछ ठीक करेंगे टाउन बेंडिंग कमिटी, हमारा कानून में यही है. यावेळी राष्ट्रीय महिला हॉकर्स फेडरेशन महासचिव अनिता दास, संदीप वर्मा, राष्ट्रीय युवा हॉकर्स फेडरेशन संजय शंके, कार्यवाहक जाणीव हातगाडी फेरी दिल्ली पथारी संघटना पुणे आणि राज्यातील विविध शहरातील फेरीवाल्यांच्या संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.